तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमारा पहला संरचनात्मक जो मंदिर है, जो हमारा स्ट्रक्चरल टेम्पल है सांची 17, राइट। फिर उसके बाद फिर किस तरह से हमारा आता है पार्वती पार्वती टेम्पल नचना कुठारा का, राइट। फिर उसके बाद किस तरह से हम शिखर वाले टेम्पल्स देखने लग जाते हैं, दशावतार टेम्पल जिसको हम देवगढ़ टेम्पल भी बोलते हैं। तो पहला एक ऐसा टेम्पल, या फिर हम बोले कि पहला ऐसा एक स्टोन टेम्पल जिसमें हमको सबसे पहले शिखर जो है देखने को मिलता है। खैर अभी तो वो डिमोलिश हो चुका है, नष्ट हो चुका है पूरा जो है, अभी बस कुछ पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, पूरा तो नहीं है, लेकिन हमको ऐसे एविडेंसेस मिले कि इसका शिखर रहा होगा, राइट। तो अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, यानी कि एपिसोड 4 में, सेशन 4 में मैंने आपको बताया था कि अब हम जो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर इस वाली वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, राइट। जितना इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही जानेंगे, और उसके अलावा जो जो हमारे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं उसके बारे में जान लेंगे, लोकेशन जान लेंगे, एंड देन देखेंगे कि किसके द्वारा कमीशन किए गए, या फिर किसके किस राजा या फिर किंग के द्वारा बनवाए गए, वो थोड़ा बहुत हम जान लेंगे। तो अभी हमने देखा था कि जो गुप्त पीरियड में हमने देखा था कि हमने दशावतार टेम्पल पर छोड़ दिया था, ठीक है। दशावतार टेम्पल के बारे में हमने जाना था कि किस तरह से शिखर बनने शुरू हो गए हैं, किस तरह से जो प्लेटफॉर्म है वो रेज्ड प्लेटफॉर्म हो गया, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है वो ऊंचे होने लग गए हैं, वो उनका जो बेस है वो अब ऊंचा होने लग गया है, ठीक है, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब नए नए स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर बन रहे हैं। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे नागर स्टाइल का जो हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको, नंबर 2 द्रविड़ियन स्टाइल का जो हमारा आर्किटेक्चर है उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम एक बात जो है जानना जरूरी है कि जो स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे एक तरह से दो स्टाइल जो हैं, दो शैलियां जो हैं वो विकसित हो रही है। तो यार ये जो स्टाइल होते हैं, जो शैली होती है, ये होता क्या है? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टेम्पल्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुज्म में टेम्पल का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम आइडल वर्शिप में विश्वास करते हैं, है ना, हम मूर्ति पूजन में विश्वास करते हैं, हम टेम्पल्स का निर्माण करते हैं, राइट, ओके। तो अब हम देखते हैं कि जब भी जो ये जितने भी सारे टेम्पल्स बनते हैं और इनके जो नाम दिए जाते हैं, ठीक है, ये जो नाम दिए जाते हैं ना, ये जो स्कॉलर्स होते हैं, आर्ट स्टोरियंस होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, ये उनके द्वारा जो है नाम दिए जाते हैं, ताकि हम जो है जितने भी हमारे टेम्पल्स बने हुए हैं, देखो क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, टेम्पल्स ना बहुत सारी जगह बने हुए हैं, ठीक है। तो अब हम उसको रिकग्नाइज कैसे करेंगे? तो हम ये देखते हैं कि कुछ जगह पर कुछ ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ है जहां पर जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, वो इक्वल सी लगती हैं, ठीक है। इसलिए हम उनको एक ग्रुप में ले आते हैं कि अच्छा इतने एरिया में ऐसे ऐसे टेम्पल्स बने हैं और लगभग सभी के अंदर ये सारी जो है खास बात है, ये सारी क्वालिटीज हैं। तो हम उसको उसके हिसाब से, उस ग्रुप के हिसाब से, उनकी विशेषताओं के हिसाब से हम उनको एक नाम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो नागर स्टाइल के जो टेम्पल, हमने ये जो शब्द लिया है नागर, नागर ये जो शब्द है इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी आपके नॉर्दर्न इंडिया में टेम्पल्स का निर्माण हुआ है, जो टेम्पल्स बने हैं नॉर्दर्न इंडियन के जो टेम्पल्स हैं, उनको हम बोलते हैं नागर शैली, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स बने हैं वो भी एक एक ही पर्टिकुलर लगभग हम देखने को मिलता है कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे द्रविड़ियन शैली। तो अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना काफी है, और इसके अलावा क्योंकि आपके बेसिक्स हैं, और उसके अलावा हम देखेंगे कि कौन से मेजर मेजर, या फिर हम बोले कि कौन से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसके अंदर टेम्पल्स हैं, राइट। तो नंबर 1 अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से, जैसे कि हमने बताया, अब वापस आते हैं अपने दशावतार टेम्पल के पास। तो हम देखते हैं कि दशावतार टेम्पल में किस तरह से जो है हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो अब हाई हो जाता है, हाई प्लेटफॉर्म आ गया है, और उसके बाद जो हमारे शिखर है वो टेम्पल से बनने लगे हैं। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और सभी जानते ही हैं कि जो दशावतार टेम्पल है वो पंचायतन टेम्पल है, ठीक है, पंचायतन टेम्पल, यानी कि जो पंचायतन का मतलब क्या होता है, अब तो जो हमारी मेन श्राइन होती है
और मेन श्राइन जो होती है उसके चारों तरफ जब छोटी छोटी श्राइन्स बनती हैं, चार श्राइन्स बनती हैं, उसको हम बोलते हैं पंचायतन टेम्पल। और मैं इसको और सरल करूँ तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द मेन श्राइन इज सराउंडेड बाय फोर स्मॉल श्राइन्स इज कॉल्ड पंचायतन स्टाइल, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हम 10th सेंचुरी में देखते हैं कि जो खजुराहो के जो टेम्पल्स थे उसमें ये जो नागर शैली का जो ये मंदिर है जो हमने दशावतार में बताया आपको, ये यहाँ पर जाके अपने पीक पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो नागर शैली में बना हुआ ये जो मंदिर है खजुराहो में, हम एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे समझाने के लिए, समझने के लिए। हम देखते हैं कि जो खजुराहो का लक्ष्मण टेम्पल है उसमें वो भी अगेन वो भी पंचायतन टेम्पल है, ठीक है। द थिंग इज कि यहाँ पर ये जो हमारा पंचायतन टेम्पल है इसमें जो चारों श्राइन्स हैं वो पूरी तरह हमको देखने को मिलती है, यानी कि वो डिमोलिश नहीं हुई है, वो अभी भी वहां पर एग्जिस्ट करती है। और द थिंग इज कि जो हमारा दशावतार टेम्पल था उसके अंदर जो हमारी चार श्राइन्स थी वो अभी हमको देखने को नहीं मिलती, लेकिन हमको एविडेंसेस मिलते हैं कि हाँ वो वहां पर एग्जिस्ट करती होगी, राइट। तो अब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों टेम्पल्स में शिखर शिखर जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म है वो भी बना हुआ है, ओके। उसके बाद दोनों टेम्पल पंचायतन है, ओके। चारों में चार श्राइन्स हमको चारों दोनों टेम्पल्स में देखने को मिलती है, चार चार श्राइन्स है ना, छोटी छोटी चार चार श्राइन्स अलॉन्ग विथ मेन श्राइन, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये जो मंदिर है, अब ये मंदिर जैसे कि मैंने बोला कि पीक पर पहुंच जाते हैं, तो ये जो नागर शैली के ये जो मंदिर है इसमें हम देखते हैं जो इनका प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा हो जाता है। जो आपका देवगढ़ का जो टेम्पल था उसमें प्लेटफॉर्म तो था मगर वो इतना हाई नहीं था, लेकिन जो लक्ष्मण टेम्पल का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज्यादा हाई है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आप इनका शिखर देख सकते हैं, तो शिखर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कर्वी लीनियर फॉर्म हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, और हम कह सकते हैं कि माउंटेन लाइक स्पायर्स यहाँ पे बनाए गए हैं इन्होंने, ये जो आपका शिखर है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मंडपों का भी निर्माण किया गया है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जो मंडप का कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व होता है। अब मंडप क्या होते हैं, मंडप का मतलब होता है हॉल्स, और हॉल्स क्या होते हैं और ये हॉल्स क्यों बनाए गए, तो बेसिकली हॉल्स जो डिवोटीज हैं, जो भी वर्शिपर्स हैं वो वहां पर खड़े होकर पूजा वूजा कर सके, वो इसीलिए बनाए गए। और उसके अलावा जो हॉल्स है वो और भी डिफरेंट पर्पसेस जो है फुलफिल करता है, जैसे कि यहाँ पर बैठकर डिवोटी अपनी पूजा कर सकते हैं, यहाँ पर बैठकर जो डिवोटीज हैं अपने वही स्क्रिप्चर्स हैं भजन कीर्तन है वो कर सकते हैं, उसके अलावा डांस भी परफॉर्म किए जाते थे इन मंडपों में, ठीक है। तो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो कॉन्सेप्ट है मंडप का वो इवॉल्व हो जाता है, और किसी मंदिर में हमको दो मंडप दिखाई देते हैं, किसी में तीन, किसी में चार, तो ये वेरिएशंस ऑफ मंडप हमको दिखाई देती है, ठीक है। अगर दो मंडप दिखाई देंगे तो नंबर वन हो जाएगा आपका अर्धमंडप और दूसरा हो जाएगा मंडप, या फिर उसको महामंडप बोल देंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, तीन होंगे तो फिर हम बोल देंगे अर्धमंडप, मंडप और महामंडप, ओके। तो इसी तरह से बस आप इतना समझिए कि ये मंडप है बस। और ये जो शिखर की बात मैंने आपसे करी, तो ये जो शिखर है ना, शिखर को इस टाइप्स के शिखर जो कि कर्वी लीनियर फॉर्म्स के हैं इनको बोला जाता है रेखा प्रसाद, ठीक है। और लेटिना स्टाइल भी हम इनको बोलते हैं, यानी कि लेटिना स्टाइल ऑफ शिखर, ओके। तो अब हमने जान लिया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जैसे कि हम लक्ष्मण टेम्पल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लक्ष्मण टेम्पल के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो खजुराहो है, खजुराहो बहुत फेमस है अपने मंदिरों के लिए, तो हम देखते हैं कि खजुराहो में काफी ग्रुप्स के अंदर टेम्पल्स है, यानी कि सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, काफी सारे टेम्पल्स हैं और अलग अलग ग्रुप्स में बनाए गए हैं। उनको अभी हमको नहीं पढ़ना है, हमको बस ये इम्पॉर्टेंट कवर करना है, राइट। तो हम देखते हैं कि जो खजुराहो है, खजुराहो के मंदिर आप सभी जानते ही होंगे कि जो अपने एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ये जो खजुराहो है ये एक टाउन है, खजुराहो एक टाउन का नाम है और यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं खजुराहो के मंदिर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो खजुराहो का मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मण टेम्पल, उसका निर्माण 10th सेंचुरी में यशोवर्मन द्वारा करवाया गया, राइट।
तो हम और उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो लक्ष्मण टेम्पल है ये विष्णु को डेडिकेटेड है। ओके, उसके अलावा फिर हम देखते हैं, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टाइल की तरफ। तो नेक्स्ट स्टाइल में हम देखते हैं द्रविड़ियन स्टाइल, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो द्रविड़ियन स्टाइल में क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए कि जो दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसको हम द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है इसमें भी शिखर बनाए गए। ठीक है, इसमें भी शिखर बनाए गए। ठीक है, लेकिन जो अब शिखर है यहाँ पर, शिखर को द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में विमान बोलते हैं। राइट, ये इसको और थोड़ा समझते हैं कि जैसे जो कार्तिकेय है, जो नॉर्थ इंडिया है उसमें कार्तिकेय को कार्तिकेय बोला जाता है, और जो साउथ इंडिया है उसमें कार्तिकेय को मुरुगन बोला जाता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो शब्द हैं, जो नाम है, बस वो बदल जाते हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। तो हम देखते हैं कि जो द्रविड़ियन स्टाइल में हमारे शिखर बने हुए हैं उसको हम विमान बोलते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर देखिए, ये जो शिखर है यानी कि ये जो विमान है, इसका जो शेप है वो देखिए, शेप आप देख सकते हैं कि पिरामिडल शेप है। और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि ये स्टेप्ड पिरामिड जो है, शेप है इसकी, जो स्टेप्ड पिरामिड आपको जो फॉर्म करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा अब ये जो स्टाइल है इसका, विमान का जो स्टाइल है, इसको हम बोलते हैं फमसाना स्टाइल। राइट, अब इसके अलावा हम देखते हैं कि मंडप यहाँ पर भी बनाए गए थे, लेकिन द डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो मंडप बने थे वो, उनकी जो रूफ थी वो फ्लैट थी। राइट, और इससे पहले जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी लक्ष्मण टेम्पल की, उसमें जो हमने मंडप देखे थे उनके मंडप के ऊपर शिखर बने हुए थे। ठीक है, लेकिन जो द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके अंदर जो मंडप बने उनकी जो रूफ थी वो प्लेन थी, या फिर फ्लैट थी, या फिर सपाट थी। ओके, तो अब यहाँ पर और एक एलिमेंट ऐड होता हुआ नजर आता है द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। हम देखते हैं कि ये जो मंदिर है ये चारों तरफ से एक बाउंड्री से घिरे हुए थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस मंदिर के चारों तरफ हाई बाउंड्री वॉल्स का निर्माण किया गया। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस गेटवे भी बनाए गए, और इन एंट्रेंस गेटवे को बोलते हैं गोपुरम। राइट, तो अब हम वापस आते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं, जो इनका जो डिफरेंस है वो हम जानते हैं इन दोनों स्टाइल्स में, कि किस तरह से जो हमारा शिखर है नागर शैली का उसको हम बोलते हैं रेखा प्रसाद स्टाइल, और जो हमारा शिखर है यानी कि जो विमान है हमारा द्रविड़ शैली का उसको हम बोलते हैं फमसाना स्टाइल। ठीक है, उसके अलावा दोनों में मंडप भी बनाए गए, लेकिन जो मंडप की रूफ है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जो नागर शैली के मंडप है वहां पर उसके ऊपर आपको शिखर दिखाई देगा, और उसके अलावा जो मंडप आपके द्रविड़ियन शैली में है वो, उसकी जो रूफ है वो फ्लैट नजर आएगी। उसके अलावा जो द्रविड़ियन शैली के टेम्पल्स थे उनके चारों ओर हाई बाउंड्री वॉल्स का निर्माण किया गया। उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस गेटवे भी बनवाए गए, इन एंट्रेंस गेटवे को बोला जाता है गोपुरम। राइट, अब हम थोड़ा सा, ये जो टेम्पल हम बोल रहे हैं, ये जो हम आपको इमेज में दिखा रहे थे, इस टेम्पल का नाम था बृहदेश्वर टेम्पल। राइट, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण हम देखते हैं 11th सेंचुरी में राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया, यानी कि राजराजा फर्स्ट के द्वारा करवाया गया, और इसकी जो लोकेशन है वो तमिलनाडु है। और उसके अलावा देखते हैं हम, ये टेम्पल शिव को डेडिकेटेड है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा सिंपल है, वेरी 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 सिंपल। बस आप थोड़ा सा जो टर्म्स हैं उसको एक बार देख लीजिए, एक बार और देख लेंगे वीडियो थोड़ा सा पीछे करके, और दो तीन बार स्लाइड पे पढ़ लेंगे, आपको ये रिवाइज हो जाएगा और मैं बोलूं कि याद हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो नागर शैली में जो मंदिरों की बात मैंने की, इसमें और भी टेम्पल आते हैं, जैसे कि कंदरिया महादेव टेम्पल जो कि अगेन खजुराहो में ही है। और कंदरिया महादेव टेम्पल, ये जो कंदरिया टेम्पल है ये अगेन शिव को डेडिकेटेड है, और इसका निर्माण 11th सेंचुरी में विद्याधर द्वारा किया गया।
उसके अलावा हम देखते हैं कि अभी हमने द्रविड़ियन शैली टेम्पल्स की बात करी, तो हम देखते हैं कि द्रविड़ियन शैली में एक और टेम्पल आता है अगेन, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है और उसका नाम है गंगई कोंड चोलपुरम, जिसका निर्माण राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया और अगेन ये शिव को डेडिकेटेड है। अब हम यहाँ पर जो मेन मेन टेम्पल्स हैं उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में, जैसे कि मैंने बताया कि जो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में आपके दो टेम्पल्स हो गए जो कि नागर शैली में बने हुए हैं, नंबर वन लक्ष्मण और नंबर टू कंदरिया। उसके अलावा हम देखते हैं कि राजस्थान में भी काफी टेम्पल्स बनाए गए, जैसे कि माउंट आबू के जैन टेम्पल्स जो कि मार्बल द्वारा बनाए गए थे, यानी कि मार्बल जो पत्थर है उसके इस्तेमाल से बनाए गए थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर स्टोन कौन सा यूज किया गया था, तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिया कि जैन टेम्पल्स हैं, तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि महावीर, पार्श्वनाथ, इन सबके टेम्पल्स बने थे। अब हम देखें नेक्स्ट और भी टेम्पल अगर हम देखें, तो उसके अलावा हम देखते हैं कि गुजरात में भी मडोरा का, गुजरात में भी मोढेरा का हमको सन टेम्पल देखने को मिलता है, जो सोलंकी पीरियड में 11th सेंचुरी में बनवाया गया। फिर हम देखते हैं कि उड़ीसा में भी हमको एक और अगेन एक सन टेम्पल देखने को मिलता है, कोणार्क का सन टेम्पल, जिसको 13th सेंचुरी में बनवाया गया और ये सन को डेडिकेटेड है। अब यहाँ पर एक फन फैक्ट है कि जो उड़ीसा का जो ये जो टेम्पल मैंने बताया सन टेम्पल जो है, यानी कि भगवान सूर्य को समर्पित है, तो जब यहाँ पर सन गॉड की बात आती है तो जितने भी आपके हिंदू देवी देवता हैं, जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस हैं, हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस हैं, उसमें ये एक इकलौते ऐसे गॉड हैं जिनको बूट्स के साथ दर्शाया जाता है, यानी कि इनको बूट्स पहने हुए दर्शाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि कर्नाटक में भी हमको दो टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, नंबर वन इज दुर्गा टेम्पल आईहोल में, उसके अलावा होयसलेश्वर टेम्पल जो अगेन शिव को डेडिकेटेड है, जिसका निर्माण 12th सेंचुरी में किया गया। अब हम यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो तमिलनाडु है वहां पर हमको दो टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, नंबर वन इज वृद्धेश्वर टेम्पल एंड देन नंबर टू इज गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि तमिलनाडु में ही महाबलीपुरम में 5 रथ टेम्पल्स का भी निर्माण किया गया। अभी रथ टेम्पल्स क्या है ये, और ये रथ टेम्पल्स क्या है, ये जो टेम्पल्स हैं ये रथ जैसे दिखते थे इसलिए इनको रथ टेम्पल बोला जाता है। और हम देखते हैं कि जो मंदिर बनवाए गए हैं ये हम देखते हैं कि ये मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स है, यानी कि पत्थर की एक चट्टान को काट कर बनाए गए मंदिर हैं। जैसे कि अभी मैंने जितने भी टेम्पल्स के नाम लिए ना, ये सारे स्टोन से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक चट्टान को काट कर और उसको हम बोल सकते हैं कि ऐसे अंदर से खोद कर उसको बनाया गया, उसको निर्मित किया गया है, राइट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 रथ टेम्पल्स हैं जो कि तमिलनाडु महाबलीपुरम में है। तो अब यहाँ पर आपका टेम्पल का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हमने कर लिए। तो अब हमने सारे जितने भी मेन टेम्पल थे वो जान लिए हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल को जान लिया है। तो अब हम आगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ, इसमें हम देखेंगे कि